माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड, अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं अभी टाइम, और इतनी तेज अभी धूप है ना, बहुत तेज धूप है। छत के ऊपर गेहूं मैं फैलाई थी, उसको मैं उतारी हूँ, और उतारने के बाद अभी सोच रही हूँ कि मेरा गोबर रखा हुआ है बाहर में, तो उसको लेके खेत तरफ चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी, और वहाँ कुछ काम है, उसको भी मैं अभी कुछ काम करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या काम करूँगी वहाँ पे आज। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा गोबर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, मम्मी लेके गई थी। और यहाँ पे ताला लॉक करते, लॉक करो, अभी लॉक करेंगे। अच्छा से लॉक कर नहीं सकती है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम घर से काफी दूर आ गए हैं। ये देखिए हमारा घर यहाँ से कहीं नजर नहीं आएगा आपको। और आ रही, देखिए दौड़ रही है पूरा। ये जो पुट्टू इसका फूल है ना, उस तोड़ रही है, उसको अच्छा लगता है। तो ये देखिए आते ही वो दौड़ लगाना शुरू कर दी है। और ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना घास, तो आप लोग को मैं चलिए सामने से दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आप लोग घास बोलते होंगे इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हैं, इतने सारे हैं। तो ये सब ना गांव देहात में इसका झाड़ू बनाया जाता है, जो कि आज हम भी बनाएंगे इसका झाड़ू। तो ये घास है जो कि गांव देहात में घास का ही झाड़ू यूज करते हैं, और हमारे घर में ख़त्म हो गए हैं ये वाला झाड़ू। तो सोचे कि आज उखाड़ ही लेते हैं, और अभी ना काफ़ी धूप भी है, तो अभी जल्दी से फटाफट उखाड़ लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी ना हम आरोह को दिए थे, लेकिन वो अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रही थी, इसलिए हम खुद से ले लिए हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा है उखाड़ने में, ये देख सकते हैं, इसे उखाड़ना पड़ता है। एक हाथ से उखड़ता भी नहीं है, देखिए टाइट लगता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। देखिए ये कांटा लग गया है ना, तो देखिए आरोही का मुंह कैसे बना रही है। तो निकाल लेते हैं इसका कांटा, ये देखिए। वैसे मुंह बना दे रही है, देख सकते हैं। चलो बाद में कर देंगे। पानी प्यास भी लगा है, आरवी को भी लगा है, तो बोल रही कि घर चलो घर चलो। तो और थोड़ा सा उखाड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इतने सारे हो गए हैं, अब इतने से उखाड़ते हैं। काफी तेज धूप है और बहुत ज्यादा प्यास भी लगा है, तो लेके इधर निकलते हैं, इसको बांध लेते हैं। ये देखिए अभी बाहर, वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा कांटे साड़ी में लग जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा लग भी गया है, और अभी ना हम तो रस्सी लेके आए हुए हैं, इसे ना अभी हम बांध देते हैं।
तो फ्रेंड ये देखिए फाइनली अभी हम घर आ गए हैं झाड़ू लेके। ये देख सकते हैं हम इसको रख लेते हैं। बहुत ज्यादा धूप था आ रही, वही पे बोल रही थी कि पानी प्यास लगा है, तो सबसे पहले पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह बनाएंगे। पानी पीगी, इसको सबसे पहले पानी दे लेते हैं। और ये देखिए इसे ना बहुत ज्यादा ये कांटा लटका ली है, तो आने टाइम तो ये रो रही थी कि मम्मी हम घर नहीं जाएंगे। ये ऊपर वाला तो फ्रॉक तो फेंक ही दी। सबसे पहले पानी पी लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड अभी पानी वगैरह पी के 5 मिनट रेस्ट करके फिर आ गए हैं। तो इसमें रख के ना झाड़ू को काटेंगे। और ये देखिए टेंगा भी लेके आए हैं, रस्सी भी लेके आए हैं, पिछुआ भी लेके आए हैं। इसको खोल लेते हैं। और ये इसका जितना भी इसका ये सब जड़ है ना, उसको काटते हैं। कोई कोई वाला छोटा बड़ा है ना, इसलिए अच्छे से काटते नहीं है एक बराबर। इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखिए आरोही को भी पता है कि ये काटा वाला इसी तरह से ना इसको भी साफ कर लेते हैं सबको। तो ये देखिए सभी को हमने साफ कर लिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाद में भी साफ हो जाएगा। तो अभी इसको हम रस्सी से बना लेते हैं। इसको ना बहुत कोई गूंथ के भी बनाते हैं, बहुत कोई जो हम बनाएंगे उस तरह से भी बनाते हैं। तो गूंथने वाला ना हमको आता नहीं है, हमको यही वाला आता है। तो इसमें भी ना बहुत ही अच्छे होते हैं, जब आपका रस्सी भी टूट जाएगा लेकिन ये झाड़ू नहीं टूटता है। और ये सूखता ना तो और भी अच्छा बनता है, लेकिन हम अभी तुरंत बना दे रहे हैं। देखिए इस तरह से दोनों को दो साइड से कर देना है। रस्सी तो बड़ा बड़ा है, देखिए रस्सी भी है, रस्सी बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो ये देखिए इसको हम बांध लिए हैं। और इसको ना अब इसको धीरे धीरे देखिए इस तरह करके घुमा देंगे तो अच्छे से घूम जाएगा। और एक रस्सी है ना, इसको यहाँ पर ही बांध देते हैं। मेरा झाड़ू टाइट रहे और निकले ना। झाड़ू बन गया। तो ये देखिए ये बन गया झाड़ू, इस तरह से हम बनाते हैं। और ये सूखेगा ना तो बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगते हैं। तो इसको ना साफ कर दे लेते हैं और भी अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए ये बन गया मेरा झाड़ू। और ये ना सूख जाएगा ना तो ये सारा पत्ता वगैरह है ना सारा निकल जाएगा, ये एक भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो अच्छा लगेगा इस तरह से झाड़ू लगाने में।
इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे दोनों झाड़ू बन गए हैं, दो ही झाड़ू बने हैं, और ये देखिए बहुत अच्छे से बन गए हैं। और ये सूखेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा झाड़ू लगाने में। तो ये देखिए हमारे गांव देहात के झाड़ू, जो कि बहुत ही सुंदर बना है, एकदम सबसे आसान तरीका में हमने बना लिए हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है ये झाड़ू, क्योंकि हमको गुथने वाला आता नहीं है, तो यही आता है, तो ये भी अच्छा रहता है। ये भी आपको अगर सूख जाएगा ना तो एक बार जरूर बना के देखिएगा मेरे तरीके से, ये भी बहुत अच्छा लगता है झाड़ू। तो तभी से आरोही बोल रही है कि हमको झाड़ू लगाना है, तो लो एक आरोही के लिए एक मेरे लिए लगा। तो देखिए कितने अच्छे से झाड़ू लग जाते हैं, एक भी जरा एक भी ना इसमें धूल वगैरह नहीं रहते हैं, सारा अच्छे से झाड़ू लग जाते हैं। तो अभी हम ना यही झाड़ू से झाड़ू लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए यही झाड़ू से लगा के हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिए हैं, और ये ना सूख जाएगा तो ये सारा कांटा निकल जाता है, अपने आप सूख जाएगा, झाड़ देने से निकल जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से सुंदर सुंदर देखिए झाड़ू हमने बना लिए हैं, जो कि काफी सुंदर दिख रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आज का कैसा लगा। तो मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, खुश रहे, अपनी दुनिया मस्त रहिए।